हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स पढ़ रहे थे। सीजनल ब्रीडर पढ़ा था, कंटिन्यूअस ब्रीडर पढ़ा था, बट समय अभाव के कारण, समय की कमी के कारण हम रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं पढ़ पाए। रिप्रोडक्टिव साइकिल अर्थात ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ के बच्चे जो रिटन एग्जाम देंगे उनके लिए 3 मार्क्स में अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है। हर दूसरे तीसरे साल ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस पूछा जाता है। इन दोनों को भी मिला के बोले तो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन प्लेसेंटल मैमल्स। अब जैसे ही आप रिप्रोडक्टिव साइकिल इन प्लेसेंटल मैमल्स आप देखते हो तो आपके दिमाग में उठता है ये साइकिल क्या है, भला है, और दूसरा प्लेसेंटल मैमल ही क्यों। बाकी मैं लिखने को हो सकता था रिप्रोडक्टिव साइकिल इन एनिमल्स क्यों नहीं लिख दिया। तो ध्यान रखें, साइकिल, साइक्लिक इवेंट। साइकिल क्या होता है? जिसका कोई बिगिनिंग और एंड नहीं होता। तो साइक्लिक इवेंट, लगातार पीरियोडिसिटी उसमें हो मिलनी चाहिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मिलना चाहिए, इसलिए रिप्रोडक्टिव साइकिल। और प्लेसेंटल मैमल ही क्यों? ध्यान रखें, प्लेसेंटल मैमल्स यानी कि थीरियंस, जो यूथीरिया ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ये वीवी पैरासूट हैं, बच्चे देते हैं। तो बच्चे देते हैं इसका मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल की बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी बच्चे का डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड जब तक वो फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता बच्चा, तब तक उसको उसकी डिलीवरी नहीं हो सकती, यानी पार्ट्यूरेशन, चाइल्ड बर्थ जिसे कहते हैं, वो नहीं हो सकता। तो फर्टिलाइजेशन से पार्ट्यूरेशन के जो बीज का पीरियड है जिसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ये गेस्टेशन पीरियड फीमेल की बॉडी के अंदर होगा बच्चे का। और ये जो गेस्टेशन पीरियड है, इस पीरियड के दौरान बच्चे को नरिश करने के लिए, बच्चे को प्रॉपर इंटेंसिव केयर देने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, उसको फीमेल की बॉडी को, फीमेल की यूट्रस को, फीमेल के वुम्ब को वेल डिजाइंड होना चाहिए, ताकि वो एक फुल्ली डेवलप फीटस को अपने अंदर एकोमोडेट कर सके, उसका डेवलपमेंट पूरा कर सके। तो इसके लिए फीमेल जेनाइटल ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कुछ प्रिपरेशन करते हैं। वो प्रिपरेशन साइक्लिक इवेंट में हर हमेशा होता रहता है। यही है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन प्लेसेंटल मैमल्स। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा ये रिप्रोडक्टिव साइकिल प्लेसेंटल मैमल्स में। अगर मैं डिफाइन करूं तो प्लेसेंटल मैमल्स में, इन प्लेसेंटल मैमल्स देयर अकर साइक्लिक इवेंट इन देयर ओवरीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड हार्मोनल सिक्रीशन, हार्मोनल लेवल, सेक्स हार्मोनल लेवल टू बी करेक्ट, ऑफ फीमेल। इसी को हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। मतलब जो फीमेल प्लेसेंटल मैमल है उसके ओवरी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और साथ में जो सेक्स हार्मोन्स हैं उसके लेवल में पीरियोडिकल चेंजेस आते हैं, साइक्लिक चेंजेस आते हैं। यही है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन प्लेसेंटल मैमल्स। ये हमको दो तरीके का मिलता है माफ कीजिएगा, ये हमको दो तरीके का मिलता है, एक ईस्ट्रस साइकिल और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम वही पढ़ रहे हैं। अब ईस्ट्रस साइकिल की बात करें, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो जो ईस्ट्रस साइकिल है, ये ईस्ट्रस साइकिल, ध्यान रखें, नॉन, अभी मैं डिफाइन करूंगा लेकिन उससे पहले समझ लें, फीमेल नॉन प्राइमेट मैमल्स में मिलता है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट मैमल्स में मिलता है। अब ये नॉन प्राइमेट और प्राइमेट क्या वाला है? मैमल्स के अंदर ध्यान रखें, अभी आपको नहीं पता होगा बट मैं बता दूं, ऑर्डर्स काफ़ी, क्लास मैमेलिया को कई सारे ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, टू बी करेक्ट, अगर मैं टू बी प्रेसाइज मैं अगर बिल्कुल सही बताऊं तो लगभग 27 ऑर्डर्स हैं, जिसमें से 9 एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, 9 ऑर्डर के सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, 16 लिविंग हैं। उसमें से एक ऑर्डर का नाम है ऑर्डर प्राइमेटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास मैमेलिया के अंदर 27 ऑर्डर्स हैं, उनमें से एक ऑर्डर का नाम है ऑर्डर प्राइमेटा। इस ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आता है ह्यूमन बीइंग्स यानी हम, और हमारे पूर्वज यानी एप्स एंड उससे भी पहले मंकीज, मंकीज एप्स ह्यूमंस, ये आते हैं ऑर्डर प्राइमेटा में, साथ में लीमर्स एंड टार्सियर्स भी।
ठीक है। तो मैम प्लेसेंटल मैमल्स में हम नॉन प्राइमेट मैमल की जब बात करते हैं तो मंकीज, एप्स और ह्यूमन को छोड़ के जितने बचे ये सारे नॉन प्राइमेट हो गए और मंकीज, एप्स और ह्यूमन प्राइमेट हो गए। तो मोटा मोटी आपको ये बात समझ में आई होगी कि ईस्टर साइकिल अकर्स इन फीमेल नॉन प्राइमेट मैमल्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन फीमेल प्राइमेट मैमल्स। अब फीमेल नॉन प्राइमेट मैमल कौन है? फीमेल नॉन प्राइमेट मैमल्स आप जो भी जानते हैं, गाय जानते हैं, काउस जानते हैं, बफेलो जानते हैं, भैंस जानते हैं, मतलब कैटल कह सकते हैं, डॉग्स, डियर, टाइगर, रैट्स, जो भी आप जानते हैं मैमल्स सारे इसी में आते हैं। माफ कीजिएगा प्राइमेट नहीं होने चाहिए, नॉन प्राइमेट होने चाहिए, मतलब मंकीज, एप्स, ह्यूमन के अलावा। अब ईस्टर साइकिल को जरा डिफाइन भी कर दे तो जो डेफिनेशन मैंने अभी रिप्रोडक्टिव साइकिल की बताई थी बिल्कुल वही, द साइक्लिक चेंजेस अकरिंग इन ओवरीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड हार्मोनल लेवल ऑफ फीमेल नॉन प्राइमेट मैमल ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। तो ये डेफिनेशन है, साइक्लिक चेंजेस अकरिंग इन द ओवरीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब आप समझ सकते हैं उसके अंदर ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, यही सब सारी चीजें। तो यूट्रस में साथ जानते हैं बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है, वो सब हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो ओवरीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल व्हाट, नॉन प्राइमेट मैमल्स ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में मैंने यहां नहीं लिखा लेकिन आप समझ ले, ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज मतलब प्यूबर्टी, जैसे हम लोगों में प्यूबर्टी से मेनोपॉज, मेनोपॉज का मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है फीमेल में, अराउंड 45 टू 50 इयर्स की एज के बीच में होती फीमेल में, तो उस भी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो ऐसे ही रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, एग्जाम्पल है कैटल, डॉग्स, डियर, टाइगर, रैट्स, बहुत सारे हैं, सारे नॉन प्राइमेट, ठीक है। इसका नाम, एक खास बात, ईस्टर साइकिल का नाम ईस्टर साइकिल इसलिए है कि इसमें एक पीरियड ऑफ हीट होता है। आप में से जो बच्चे थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखते हैं, गांव से आते हैं, वो जानते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि जो गाय होती हैं, भैंस होते हैं, होती हैं, ये एक पर्टिकुलर पीरियड पे वो कुछ आवाज लगाती हैं। तो गांव के जो होते हैं वो उनके लिए देसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि दे आर इन हीट, हीट में है, मतलब इस समय इनको सेक्स की जरूरत है, सेक्स इस समय ये अलाउ करेंगी। तो उस समय जो गाय का, भैंस का मालिक होता है उस समय मेल ऑक्स को ले आता है, बफेलो मेल को ले आता है और फिर क्रॉस होता है और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी होती है, फिर मिल्कमैन है तो दूध ले गई। तो ये जो आवाज निकालने की ये जो कहानी मैंने बताई ग्रामीण परिवेश की, ये ग्वाले की कहानी बताई, वो इसलिए थोड़ी बताई कि आप सुने और भूल जाएं। उसका मतलब ये है कि जब वो पीरियड ऑफ हीट में है तब वो आवाज निकाल रही है, मतलब एक उस समय उसको सेक्स अर्ज, सेक्स की इच्छा, सेक्स अर्ज बहुत हाई है, हाई पीक पे है, इसी को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ हीट, ठीक है। और इस पीरियड ऑफ हीट के लिए ये क्यों होता है, ये ईस्ट्रोजन के ज्यादा, ईस्ट्रोजन का लेवल उस समय ज्यादा होता है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा उस समय पीरियड ऑफ हीट ज्यादा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ईस्टर साइकिल। सो इन दिस ईस्टर साइकिल अ पीरियड ऑफ हीट कॉल्ड ईस्टरस अकर्स ड्यूरिंग विच फीमेल हैज अ हाई सेक्स अर्ज, फीमेल में हाई सेक्स अर्ज रहता है, मतलब उस समय वो मेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स को के लिए अलाउ करेगी, इसके अलावा अलाउ नहीं करेगी, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है। आगे अगली बात करेंगे, ध्यान रखें मैंने इसको ईस्टरस और मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस फॉर्म में लिखा है ताकि 12th के बच्चे इसको दोनों के बीच डिफरेंस आता है तो डिफरेंस के फॉर्म में लिख लें।
अगली बात जो ईस्टर साइकिल की है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम सभी जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मतलब एक अगर आप अपना 12th का थर्ड चैप्टर आएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन उठाएंगे तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक चार्ट बना हुआ है, एक ग्राफ बना के शो किया है कि शुरुआत के एक से लेके 5 दिन तक लगभग ब्लीडिंग फेज होता है जिसमें ब्लीड करती फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से अपने, तो ये ब्लीडिंग फेज ईस्टर साइकिल में नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहले उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ब्लीडिंग क्यों होता है, तो आप समझ पाएंगे। डिटेल में तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही बताएंगे आपको, लेकिन हल्का फुल्का बता दें कि जो नेचर है फीमेल की बॉडी वो मान के चलती है कि जो ओवा निकला है, ओवा अराउंड मिड ऑफ द साइकिल में निकलता है, ये ओवा रिलीज हुआ है ओवुलेशन में, रिलीज हुआ है ये ओवा आगे फर्टिलाइज हो जाएगा, तो वो मान के चलती है कि ओवा फर्टिलाइज होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। बच्चा 9 महीने तक, ह्यूमन के केस की बात करें तो 9 महीने तक कहाँ रहेगा? फीमेल के यूट्रस में रहेगा। अब 9 महीने तक उसको खिलाने पिलाने प्रोटेक्शन के लिए फीमेल की बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। तो फीमेल की बॉडी अगर अपने आप को प्रिपेयर कैसे करती है, तो यूट्रस की वॉल को, यूट्रस में डेवलपमेंट होता है तो यूट्रस की वॉल को थिक करती है, उसकी एंडोमेट्रियम को थिक करती है, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, ये लगातार तैयारी कर रही होती है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा यहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहां होगा। लेकिन सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो हुआ निकला था उसको फर्टिलाइज नहीं किया उस समय, किसी भी रीजन से सेक्सुअल इंटरकोर्स ही सपोज नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा? तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ तो फिर फीमेल जो बॉडी है वो क्या करेगी? वो यूट्रस बना के रखी, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का सवाल ही नहीं उठता, तो फिर क्या करेगी? तो फिर वो जो एंडोमेट्रियम थिक हुई पड़ी है, इंगॉज्ड हुई पड़ी है, बढ़ी हुई है एंडोमेट्रियम, वो धीरे धीरे स्लो ऑफ घिस घिस के गल गल के वजाइनल सिक्रीशन के रूप में, मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर निकलेगी, वही है मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये ब्लीडिंग का रीजन है। ईस्टर साइकिल में ये ब्लीडिंग नहीं होता, एंडोमेट्रियम बाहर नहीं निकलती। तो आप सोच सकते क्या वहां पर क्या फीमेल का ओवा फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल का यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता? बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है। लेकिन होता यह है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है, स्लो ऑफ मतलब घिस घिस के अंदर छिल छिल के ये जो बाहर निकलती, ये जो निकलती है उसको वहीं पर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, वहां के टिश्यूज उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। जब रीअब्सॉर्ब कर देंगे तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कहां से निकलेगा, ब्लीडिंग कहां से होगी? तो ईस्टर साइकिल में जो अगला मेजर डिफरेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल से कि इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज द स्लोड ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज रीअब्सॉर्ब्ड। ये देख लें, नो मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं, और ये वर्ड बिल्कुल याद रखें, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता, नो मेंस्ट्रुअल फ्लो, नो मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एज स्लोड ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये ईस्टर साइकिल हो गया। आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको जैसे समझाने के लिए कभी क्वेश्चन, हालांकि नीट में तो नहीं आता बट फिर भी कभी पूछा जाता है मोनोस्ट्रस या डाइस्ट्रस या पॉलीस्ट्रस क्या है, तो नाम ही बता रहा है, मोनोस्ट्रस का मतलब होता है रिप्रोडक्ट साल में एक ब्रीडिंग सीजन होना, एक ईस्टर साइकिल होना, डाई का मतलब दो, पॉली का मतलब बहुत सारे। तो मोनोस्ट्रस का एक एग्जाम्पल है डियर, हालांकि नीट वगैरह कहीं नहीं आता, आप देख के भूल भी सकते हैं। बाईस्ट्रस का होता है डॉग्स एग्जाम्पल है, और पॉलीस्ट्रस का एग्जाम्पल माउस है। तो ये था ईस्टर साइकिल। इसके बाद हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अगेन वही डेफिनेशन है, मैंने आपको शुरुआत में पहले डेफिनेशन से पहले मैंने क्या बताया था, ये फीमेल प्राइमेट मैमल्स में मिल लेते हैं। तो साइक्लिक चेंजेस अकरिंग इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन बता रहा हूं, साइक्लिक चेंजेस अकरिंग इन द ओवरीज, देयर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड देयर हार्मोनल लेवल ड्यूरिंग या फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, प्यूबर्टी से लेके, प्यूबर्टी का मतलब हुआ जो एडोलेसेंस की जब आती फीमेल में, मतलब 9 to 13 years, आप 10 to 13 years मान सकते हैं फीमेल में, इस समय प्यूबर्टी आती है, उसमें उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं जो उसको फीमेल की बॉडी को फीमेल जैसा लुक देते हैं, न केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर भी,
उसका डेवलपमेंट ग्रोथ होता है तो वो प्यूबर्टी है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज होता है अराउंड 45 टू 50 इयर्स तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज इसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तो साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरीज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ एंड हार्मोनल सिक्रीशन फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक किसमें ऑफ फीमेल प्राइमेट मैमल्स में, ठीक है। और फीमेल प्राइमेट मैमल कौन से है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ह्यूमन एप्स मंकीज। अब ह्यूमन में तो कोई मतलब सभी जानते हैं कि ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। एप्स की बात कर ले तो एप्स में गोरिल्ला है, गिब्बन है, चिंपैंजी है और ऑरैंगउटान है, आप सभी जानते हैं। इसमें से वैसे ये इतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन एप्स कौन कौन है आपको ये तो पता होना ही चाहिए। तो गोरिल्ला, बस ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, गोरिल्ला के अंदर और ऑरैंगउटान के अंदर एक ब्लीडिंग चूंकि प्रॉपर होती है तो डिटेक्टेबल होता है, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जबकि चिंपैंजी और गिब्बन के अंदर ब्लीडिंग बहुत कम होती है। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन से ही अगर हम क्लोजली एनालाइज करें, क्लोजली ऑब्जर्व करें, तभी जाके हमें पता चलता है कि इनमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मंकीज में तो ऑफकोर्स होता ही, आपने रीसस मंकी का नाम सुना होगा, इन सब में इनमें होता है, मतलब अफ्रीका और एशिया के मंकीज में तो श्योरली होता है, ठीक है। इसके अलावा प्राइमेट्स में लीमर्स और टार्सियस भी आते हैं, तो इनके बारे में अभी डिटेल एविडेंस है, मतलब ऐसा एविडेंस एग्जैक्ट नहीं है जो मैं आपको यहां पर बता पाऊं, अभी एविडेंस की कमी है इनके बारे में बताने को। तो फिलहाल हम यही याद रखेंगे, साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरीज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ फीमेल प्राइमेट मैमल्स फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, एग्जाम्पल ह्यूमन एप्स और मंकीज। ध्यान रखने की बात है कि इसमें पीरियड ऑफ हीट नहीं होता, यानी ये एनिस्टर्स हैं, इसमें पीरियड ऑफ हीट नहीं होता, जैसे इसमें हाई सेक्स सर्ज जब होता हो, यहां नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ईस्टर साइकिल में होता है। अगली बात है मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ईस्टर साइकिल से डिफरेंस है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स क्यों होता है, क्योंकि जो स्लोड ऑफ मार्जिन है, स्लोड ऑफ इनर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, स्लोड ऑफ मतलब घिस घिस के निकलना, छिल छिल के निकलना, तो ये जो मार्जिन है, ये सॉरी इन लाइनिंग है, ये लाइनिंग छिल छिल के निकलती है और ये रीअब्सॉर्ब नहीं होती है, तो यही मेंस्ट्रुअल फ्लो बनाती है, यही ब्लीडिंग होता है, तो वो बाहर निकलती है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू पीरियोडिक स्लोइंग ऑफ ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस और वूम। अब यहां साइकिल है तो पीरियोडिसिटी होगी, तो पीरियोडिसिटी ज्यादातर हम कहते हैं 28 दिन की साइकिल होती है, हालांकि बहुत सारे वेरिएशन मिलते हैं, इनफैक्ट 28 दिन की साइकिल एवरेज मानी जाती है, लेकिन बहुत सारे इरेगुलर साइकिल्स भी मिलती हैं, और रेगुलर में साइकिल में भी जरूरी नहीं 28 दिन की हो, बट पीरियोडिसिटी ऑफ साइकिल 28 दिन की वजह से हम कह सकते हैं इसको ल्यूनर मंथ है, तो पीरियोडिसिटी ऑफ साइकिल इज ल्यूनर मंथ, जो ल्यूनर मंथ होता है ये है। तो ये रहा ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस, इसको आप पढ़ लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में केवेंट, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे, ये आप लिख लें। सो आप लोगों ने लिख लिया पिछला, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, और इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट, क्या क्या घटनाएं है होती हैं। घटनाओं को मोटा मोटी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक फर्टिलाइजेशन के पहले वाले, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वाले, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो हो रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो, और बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है, इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले तो गैमीट बनना चाहिए, मतलब गैमिटोजेनेसिस, और दूसरी बात गैमीट को फीमेल, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक जाना चाहिए, मतलब गैमीट का ट्रांसफर होना चाहिए। तो दो चीजें प्री फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे, नंबर वन इज गैमिटोजेनेसिस, नंबर टू इज गैमीट ट्रांसफर। गैमिटोजेनेसिस बात करेंगे,
गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस फॉर्मेशन, एंड गैमेट मतलब गैमेट फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे, सेल डिवीजन जब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट के फॉर्मेशन के समय सेल डिवीजन जब हम देखेंगे तो हमको जरूरत पड़ेगी उस समय याद रखने की। लेकिन आपको एक चीज आप याद रखें कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, हर चीज है। जैसे ही कुछ बताएंगे स्टेटमेंट के आगे ज्यादातर बोलेंगे एक्सेप्ट, अपवाद जरूर मिलते हैं, लेकिन दो नियम हैं जिसका कोई अपवाद नहीं, और भी होंगे लेकिन मोटा मोटी दो नियम है। एक, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर पेयर में नहीं होता, अनपेयर्ड होता है। दूसरा, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, जाइगोट जो होता है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर वहां पेयर में होता है। जब हम सेल डिवीजन पढ़ें तो इन दोनों चीजों को हम याद रखें कि गैमीट हैप्लॉयड होगा और जाइगोट डिप्लॉयड होगा, और उसके बाद प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी कैसे हैप्लॉयड है डिप्लॉयड है उस अकॉर्डिंग हम देख लेंगे मियोसिस कहां होता है, रिडक्शन डिवीजन कहां होता है। तो वो हम सेल डिवीजन में अभी थोड़ा सा रुक के देखेंगे, पहले हम गैमीट्स के टाइप वगैरह देख लेते, फिर हम सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन देखेंगे। तो गैमीट मेल और फीमेल गैमीट अगर एक जैसे दिखते हैं तो आइसोगैमीट, अदरवाइज वो हीटरो मतलब डिफरेंट। तो गैमीट्स दो तरीके के होते हैं, एक आइसोगैमीट्स, आइसोगैमीट का मतलब है मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर, उनका अपीयरेंस सिमिलर है, अपीयरेंस का मतलब होता है बाहरी आकार, मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर उनका सिमिलर है। ये आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइसोगैमीट का एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स वगैरह है, बट जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो समझ लें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लैडोफोरा याद रखेंगे, ये एग्जाम्पल क्लैडोफोरा, अंडरलाइन इसीलिए कर रहे हैं, ये याद रखेंगे आइसोगैमेट। दूसरा है हीटरोगैमेट्स, हीटरोगैमेट्स क्या है, हीटरो मतलब होता है डिफरेंट, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी एज वेल एज बिहेवियर। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी आकार, मतलब मेल और फीमेल गैमेट के अलग अलग आकार हैं और वो अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, ऐसे गैमेट को हम बोलेंगे हीटरोगैमेट्स। ज्यादातर आप गैमेट्स आप जो बात करते हैं स्पर्म और ओवा, जैसे हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं तो स्पर्म एक मोटाइल है, स्पर्म का शेप अलग होता है, और ओवा सिलेंडर, ओवा गोला सा स्फीयर, स्फेरिकल शेप है, सर्कुलर इन नेचर, सर्कुलर है, तो दोनों का मॉर्फोलॉजी भी अलग है और दोनों का बिहेवियर भी अलग है, एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, तो ये हीटरोगैमेट होगा। हीटरोगैमेट मतलब गैमेट्स डिफर इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड बिहेवियर। ये हीटरोगैमेट, इसमें जब मेल गैमेट होता है उसको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड, जो मेल गैमेट है ये मेल का साइन आप सभी जानते हैं, मेल और ये फीमेल का साइन है, तो मेल गैमेट को ज्यादातर हम स्पर्म या एंथ्रोजॉइड कहते हैं, एंथ्रोजॉइड और स्पर्म कहते हैं मेल गैमेट को, जबकि फीमेल गैमेट को हम ओवा या ओवम या फिर एग कहते हैं, ओवम या फिर एग में से कुछ कोई एक कहते हैं, ये फीमेल गैमेट है। अब मेल और फीमेल गैमेट ऑफ कोर्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग अलग, मतलब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म में बनेंगे, प्लांट और एनिमल, मेल और फीमेल प्लांट में बनेंगे, मेल और फीमेल एनिमल में बनेंगे, तो गैमेट कैसे बन रहे हैं, एक ही बॉडी के अंदर बन रहे हैं या दो बॉडी के अंदर बन रहे हैं, इस आधार पर हम एनिमल और प्लांट को यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल कहते हैं। गैमेट्स एक ही, मेल और फीमेल गैमेट एक ही बॉडी के अंदर बन रहा है तो हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, और अलग अलग बॉडी में बन रहा है तो हम उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो हम प्लांट्स और एनिमल के केस में देख लेते हैं क्या क्या कहते हैं। प्लांट्स में मेल और फीमेल प्लांट हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट हो सकता है, तो प्लांट कैन बी आइदर मोनोशस, मोनोशस हो सकता है या फिर डायोशस हो सकता है, इसके अलावा भी ट्रायोशस होता है, ये सब हमें देखना है, अभी फिलहाल हम मोनोशस और डायोशस की बात कर रहे हैं। मोनोशस, मोनोशस का मतलब आप, वैसे हम प्लांट के लिए मोनोशस वर्ड यूज करते हैं लेकिन आप इसको अगर भूलें तो आप याद रखें बाइसेक्सुअल, मतलब प्लांट, ध्यान रखें फ्लावर की मैं बात नहीं कर रहा हूं,
प्लांट की बात कर रहा हूं, मोनोसिस मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर बॉर्न ऑन सेम प्लांट, मोनोसिस मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर बॉर्न ऑन सेम प्लांट, दोनों के सेम प्लांट है। अब ये मोनोसिस जो प्लांट है ये दो, इसमें फ्लावर जो हो सकते हैं, फूल जो हो सकते हैं, वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल एंथर और स्टैमेन या एंथर का है, और ओवरी दोनों एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद है, तो फीमेल चूंकि प्लांट ये फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ तो प्लांट तो अपने आप मोनोसेस हो गया यानी बाइसेक्सुअल हो गया। लेकिन एक दूसरी केस भी हो सकती है, एक दूसरा केस भी हो सकता है कि फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल हो लेकिन दोनों सेक्स के फ्लावर एक ही प्लांट में मौजूद हो, मतलब मोनोसिस में दो चीजें निकल के आती हैं, एक या तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है और या तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, ये प्रेजेंट का साइन, प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, फाउंड ऑन सेम प्लांट, ये दो चीजें हो सकती हैं मोनोसिस में, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल आप सभी जानते हैं, नॉर्मली जो गुड़हल देखते हैं, रोज देखते हैं, ये सब मस्टर्ड देखते हैं, पी देखते हैं, ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो चूंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक ही फ्लावर के अंदर स्टैमेन भी है और ओवरी भी है, तो प्लांट तो बाइसेक्सुअल हो ही गया यानी मोनोसिस तो हो ही गया, तो ये एग्जांपल है। दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ध्यान देने की बात है, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नीट के बच्चे कॉन्सेप्चुअल चीजें ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें, बेस बनाए रखें कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल है, ऐसा कौन है? तो ऐसा है कुकरबिट्स और मेज। जैसे मेज आप देखते हैं, आपने भुट्टा का प्लांट देखा है, भुट्टा कब जाइए प्लांट देखिए तो आप देखेंगे टॉप के ऊपर एक सिंपल सा एक इनफ्लोरेसेंस है और साइड में जो भुट्टे के जो बाल लगते हैं वो दो तीन चार हैं, जो ऊपर टॉप वाला है वो मेल इनफ्लोरेसेंस है, मेल इनफ्लोरेसेंस जिसके लिए कभी कभी टैसल यूज वर्ड यूज करते हैं, TASSEL, टैसल, और साइड में फीमेल इनफ्लोरेसेंस है जो इसको कॉप कहते हैं, मतलब जो जो बाल हेयर्स हैं उनको कॉप कहते हैं। तो प्लांट एक ही है बट फ्लावर डिफरेंट हो गए, मेल फ्लावर ऊपर और फीमेल नीचे, तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल हो गए बट प्लांट बाइसेक्सुअल हो गया यानी मोनोसिस हो गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल है कुकरबिट्स एंड मेज। तो मोनोसिस के केस में दो पॉसिबिलिटी है, पहला फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, दूसरा फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो बट बॉर्न ऑन सेम प्लांट। अगला प्लांट में दूसरी कैटेगरी हो सकती है डायोसिस। डायोसिस का मतलब आप सिंपल समझ लें यूनिसेक्सुअल, मतलब अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल यानी डायोसिस है तो उसके ऊपर जो मौजूद फ्लावर है वो तो हमेशा यूनिसेक्सुअल होगा ही होगा, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर बॉर्न ऑन सेपरेट प्लांट, डिस्टिंक्ट प्लांट। जैसे कि आप इसका एग्जांपल अगर बात करें तो आपने पपीता देखा होगा, पपीता जो गांव से ताल्लुक रखते हैं, जिनके गार्डन में पपीता लगाओ, अगर आप गौर करेंगे तो कभी भी एक पपीते का पेड़ नहीं होता, और अगर एक पपीते का पेड़ होता तो कभी उसमें फल नहीं आता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, और फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट होना चाहिए, और मेल और फीमेल गैमेट चूंकि उसका मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट है, पपाया का पपीता का, तो मेल और फीमेल प्लांट जब सेपरेट है, फ्लावर सेपरेट है, प्लांट सेपरेट है, तो जब तक दोनों प्लांट विसिनिटी मतलब आसपास नहीं होंगे तब तक कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब गैमेट ट्रांसफर नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो कैसे होगा। तो कभी भी अकेला पपीते का पेड़ नहीं होता, उसके साथ एक दो, और अगर अकेला होता है तो उसमें फल नहीं लगते, आसपास उसके एक आध तो प्लांट दूसरे होने चाहिए पपीते के। तो डायोसिस प्लांट का एग्जांपल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल आप ले सकते हैं पपाया और मोरस अल्बा। मोरस अल्बा शहतूत को बोलते हैं, मोरस, ठीक है। इसके बाद ये प्लांट की बात हो गई, एनिमल की बात कर लें। एनिमल में ज्यादातर एनिमल आपको यूनिसेक्सुअल मिल जाएंगे, ज्यादातर एनिमल यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल है तो उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। ऑल्दो ये जो मैं स्टेटमेंट क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बोला, ये मुझे यहां नहीं बोलना चाहिए, फर्टिलाइजेशन अभी हम पढ़ेंगे तो वहां हमको यही बात पढ़नी पड़ेगी, बट ऐसा थोड़ी कि चीजों को बिल्कुल हमने कैटेगराइज कर दिया तो बिल्कुल ही अलग है, वो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो यहां पर जो एनिमल है यूजुअली यूनिसेक्सुअल होते हैं। दूसरा तरीके का, दूसरे एनिमल में
कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो बाइसेक्सुअल यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल और हर्मा, HERMA, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये क्या वाला होता है, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं, टेस्टिस और ओवरी एक ही बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ऐसे को बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। अभी हम पिछले चैप्टर में, हम पिछले चैप्टर कह रहे हैं, कुछ पिछले टॉपिक में हम इस पर डिटेल में बात कर चुके हैं और आगे फर्टिलाइजेशन में बात करेंगे, बट यहीं पर जब हम बाइसेक्सुअल एनिमल की बात करें तो बाइसेक्सुअल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, नामचीन दोबारा देख लेते हैं। आपके ग्रुप में जो हैं वो आपके कटे मतलब बुक में जो आपके कोर्स में है वो अर्थवर्म है, अर्थवर्म एक बाइसेक्सुअल एनिमल है। अर्थवर्म कह रहा हूँ, प्लैटिहेल्मिन में टीनिया टेपवर्म, आपने पढ़ा टीनियासिस जो कॉज करता है, ये भी बाइसेक्सुअल है, लीच बाइसेक्सुअल है, इस तरीके से बाइसेक्सुअल बहुत सारे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें बाइसेक्सुअल एनिमल या हर्माफ्रोडाइट में दो कंडीशन निकल के आती है, एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दूसरा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ध्यान दें ये फर्टिलाइजेशन वाले पैराग्राफ में हमको पढ़ना है, लेकिन अब हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट एनिमल की बात कर रहे हैं तो हमको नाम तो एटलीस्ट एग्जाम्पल तो देख ही लेनी चाहिए। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है टीनिया में, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है वो टीनिया में होता है, टीनिया या टेपवर्म में होता है, हमारे काम वाले बता रहे हैं। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब एनिमल बाइसेक्सुअल है, ध्यान रखें एनिमल बाइसेक्सुअल, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों मौजूद है, उसके बावजूद भी अपना ही मेल गैमेट, अपना ही स्पर्म अपने ओवा को फर्टिलाइज नहीं करता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसा केस है अर्थफॉर्म। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अर्थफॉर्म, ठीक है। तो ये रहा इसके, आप इसको लिख लें, इसके बाद अभी जैसे ही आप ये लिख लें उसके बाद मैं बात करता हूं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन और गैमिट ट्रांसफर की। तो फ्रेंड्स, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमिट के फॉर्मेशन के समय कैसा सेल डिवीजन होगा, आप सभी जानते हो मोटा मोटी सेल डिवीजन माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, माइटोसिस एक इक्वेशनल सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेंस इक्वल बिफोर एंड आफ्टर द डिवीजन, और मियोसिस होता है जो कि रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है आफ्टर द डिवीजन। तो फिर कौन सा डिवीजन होता है गैमिट के फॉर्मेशन में, इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा पहले कि गैमी वो ऑर्गेनिज्म कैसा है जिसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमिटोजेनेसिस हो रही है। ऑर्गेनिज्म में भी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, या तो हैप्लॉयड हो सकता है या डिप्लॉयड हो सकता है। हैप्लॉयड का मतलब क्रोमोसोम नंबर अनपेयर्ड है, क्रोमोसोम नंबर पेयर में नहीं है, जैसे अनपेयर जो बच्चे बिल्कुल नए नए हैं उन्हें समझ में ना आ रहा हो, तो अनपेयर का मतलब होता है, और पेयर का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास आप सभी ने पढ़ रखा होगा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या 46 होते हैं, 46 में 23 पेयर होते हैं, इसमें से 23 पेयर में से 23 हमको अपनी मदर से मिलते हैं, 23 हमको फादर से मिलते हैं, तो 23 मिलके 23 पेयर हो गए, तो हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड मतलब कि 23 पेयर होने की वजह से हमारे पास क्रोमोसोम पेयर में है, हम डिप्लॉयड। दूसरी तरफ कुछ हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम पेयर में नहीं होता। तो अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें डिप्लॉयड मतलब 2n, और मैंने आपको बताया है बायो का भी, मैंने आपको बताया बायो का एक रूल है, मतलब हालांकि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, बट दो नियम का कोई अपवाद नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं बायो में, और भी होंगे बट फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। एक ये कि गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉयड, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉयड होती हैं, क्रोमोसोम नंबर अनपेयर्ड होता है, और दूसरा ये कि जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। जाइगोट आप समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो दोनों गैमीट अपने क्रोमोसोम नंबर जब ले आएंगे तो जाइगोट एन इधर से आएगा, एन मतलब हाफ क्रोमोसोम नंबर, एन इधर से आएगा हाफ क्रोमोसोम नंबर मतलब 2n हो जाएगा, मतलब आपके पास जूते की लेफ्ट जूतों की 10 जोड़ियां हैं, 10 दुकानदार बाहर रखते हैं डिस्प्ले पे, दुकान वाला दोनों जो रखेगा तो दोनों लेके लोग चंपत हो जाएंगे, तो दुकानदार क्या करता है आइदर लेफ्ट 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 की सारी जोड़ियां रख देता है डिस्प्ले में, या राइट 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 बाहर रख देता है, तो एक अकेला जूता लेके तो कोई भागेगा नहीं,
वो क्या करेगा, तो लेफ्ट लेफ्ट वो लेफ्ट सारी डिस्प्ले में पड़ी और राइट उसके पास रखा हुआ है। जब कभी हम लेने जाते हैं तो वो क्या करता है, लेफ्ट वहां से उठाता है डिस्प्ले से जो रखा हुआ है और राइट अपने पास से निकालता है और हमको पेयर पकड़ा देता है। बिल्कुल वैसे ही जब मेल गैमीट का क्रोमोसोम मिलता है और फीमेल गैमीट का क्रोमोसोम मिलता है तो एन और एन अनपेयर्ड दोनों मिलकर पेयर हो जाते हैं और जाइगोट बन जाता है 2N। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि सेल डिवीजन कैसा होगा गैमीट के फॉर्मेशन के समय। जैसे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर कोई है 2N है, मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर उसमें पेयर है, तो जब इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो नियम क्या है, गैमीट हमेशा हैप्लॉयड है तो 2N से N होना है, कटना है मतलब रिडक्शन है, तो कौन सा डिवीजन होना चाहिए, रिडक्शन डिवीजन होना चाहिए, तो यहां पर रिडक्शन डिवीजन होता है यानी मियोसिस होता है। तो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेसिस से भी और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से के बेस से भी कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमेशा गैमीट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है, गैमीट के फॉर्मेशन में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल में ऐसा ही मियोसिस होता है। हालांकि एक चीज मैंने यहां पर नहीं बताई है, वो ये है कि मियोसिस जब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मियोसिस किस सेल में होता है, इस अकॉर्डिंग मियोसिस को हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो 3 कैटेगरी निकल के आती है, गैमेटिक मियोसिस, जायगोटिक मियोसिस और स्पोरिक मियोसिस। तो हम उतना डिटेल अभी जा नहीं रहे क्योंकि ये उस टॉपिक के बियॉन्ड है। जब हम मियोसिस में जाएंगे सेल डिवीजन में तो वहां तीनों देखेंगे और तब हम देखेंगे कि स्पोरिक मियोसिस एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जैसे हैं डिप्लॉयड है, टेरिडोफाइटा डिप्लॉयड है, बट उसमें मियोसिस गैमीट के फॉर्मेशन के समय तो होता नहीं है। वहां पर गैमीट फॉर्मेशन कब होता है, मियोसिस स्पोर में होता है, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर के फॉर्मेशन के समय होता है। तो वो कौन सा हुआ, वो स्पोरिक मियोसिस हुआ। हम एनिमल की बात करें, एनिमल डिप्लॉयड है, इनमें जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मियोसिस होता है, तो ऐसे मियोसिस को हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। तो गैमेटिक मियोसिस होता है और जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और स्पोरिक मियोसिस होता है जब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड रहे लेकिन स्पोर पहले बनता हो, स्पोर से बनता हो। तो स्पोर स्पोरिक मियोसिस होता है जैसे कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा, और इसके अलावा जाइगोटिक मियोसिस होता है। जाइगोटिक मियोसिस वहां होता है जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड में मियोसिस होगा तो हैप्लॉयड हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड होना चाहिए। तो जब कभी ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड हो तो उस केस में जाइगोटिक मियोसिस होता है, और ये आपको मिलेगा लोअर प्लांट्स यानी एल्गी फंजाई में मिलेगा। तो ये चीजें मैंने आपको 3 टाइप के मियोसिस बताई, ये डिटेल में और अच्छे से हम पढ़ेंगे बेहतर जब हम मियोसिस यानी सेल डिवीजन आपका पढ़ेंगे चैप्टर, तब पढ़ेंगे टाइप ऑफ मियोसिस। अभी हम वहां ये नहीं देख रहे हैं, यहां पर वो नहीं देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड है तो मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, इसका एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं, और अगर हैप्लॉयड है तब गैमेट के फॉर्मेशन के समय मियोसिस नहीं होगी, नॉर्मल जो डिवीजन है वही होगी, नॉर्मल माइटोसिस है वही होगी अगर हैप्लॉयड है तो ज्यादातर एल्गी और फंजाई में यही होता है। ध्यान रखें एल्गी और फंजाई में किस तरीके का मियोसिस होता है, मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मली जाइगोटिक मियोसिस होता है एल्गी और फंजाई में। ठीक है, अब इसके बाद अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो गैमीट फॉर्मिंग सेल्स को बोलते हैं गैमीट मदर सेल, तो गैमीट मदर सेल डिप्लॉयड होगी और इसके अंदर मियोसिस होगा, तो ऐसी गैमीट मदर सेल को जिसमें मियोसिस हो रहा हम मियोसाइट बोलते हैं। तो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स मियोसाइट और गैमीट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। अब आपके बुक का सीधे सीधे मैंने एक कॉलम उठा के रख दिया, आप कहें क्या जरूरत है, जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आए, सीधा सीधा कॉलम उठा के रखा है। उसमें कॉलम में क्या है, ऑर्गेनिज्म के यहां पे नाम दिए हुए हैं और ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट। ध्यान रखें मियोसाइट वो सेल है जो कि वो गैमीट मदर सेल है जिसमें मियोसिस होता है और गैमीट बनते हैं, और नियम क्या है, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। तो क्रोमोसोम नंबर मियोसिस में डिप्लॉयड होगा यानी जोड़े में होगा यानी पेयर होगा, और क्रोमोसोम नंबर गैमीट में क्या होगा, अनपेयर्ड होगा यानी हैप्लॉयड होगा। तो मियोसाइट के क्रोमोसोम नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट आ जाएगा, और अगर हमको गैमीट का नंबर पता रहे तो हम क्या करें, मियोसाइट का नंबर कैसे पता करें, उसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये कुछ चार्ट दिया हुआ है जिसमें किसी एक का या तो मियोसाइट का नंबर दिया हुआ है, क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है, या फिर गैमीट का क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है और हमको दूसरे का क्रोमोसोम नंबर बताना है।
तो सबसे पहले ह्यूमन है, ह्यूमन आप सभी जानते हैं 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है किसके अंदर और हमारे अंदर, और वही जो गैमेट मदर सेल है, हम चूंकि हम लोग डिप्लॉयड है तो हमारे हर सेल के अंदर ये इतना ही क्रोमोसोम नंबर होगा 23 पेयर, और गैमेट मदर सेल यानी मियोसाइट के भी अंदर 23 पेयर यानी 46 है। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स, तो आप ध्यान रखें ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखें क्या होगा इस केस में, इस केस में ये होगा कि मियोसाइट चूंकि 2n है और गैमेट क्या है n है तो 2 से डिवाइड होगा, यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 46 इस जगह डैश है, यहां पर हो जाएगा 23 मियोसाइट में, ठीक है। अब सबके सभी के समझ में आ गया, क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में 2n होगा, अगर हमको किसी एक और गैमेट में एन होगा, तो अगर हमको गैमेट का पता है क्रोमोसोम नंबर तो हम मियोसाइट का बता सकते हैं, और मियोसाइट का क्रोमोसोम नंबर है तो पता है तो गैमेट का बता सकते हैं, ठीक है। अगला है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई में मियोसाइट के अंदर क्रोमोसोम नंबर आपकी बुक में दिया हुआ 12, मियोसाइट में 2n है, 2n मतलब गैमेट का नंबर बताने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, गैमेट में हैप्लॉयड होता है तो यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 12 को तो कितना बच जाएगा 6, तो यहां पर जो गैमेट का नंबर है ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये रहा 6, ठीक है, ये 6 हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर एक गैमेट। अगला एग्जांपल दिया रैट यानी चूहा, चूहे के अंदर गैमेट का, यहां पे गैमेट मियोसाइट में नहीं दिया है, गैमेट में दिया है, गैमेट का क्रोमोसोम नंबर है 21, तो पूछ रहा व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, तो आप समझ ले गैमेट n होता है और मियोसाइट 2n होता है, तो 21 का दूना यानी पेयर में होगा तो ये हो जाएगा 42 रेट का। ऐसे ही अगला के एग्जांपल दिया हुआ, बार बार वही करने की जरूरत नहीं है, आप देखते जाएं, डॉग में 78 दिया है मियोसाइट में, तो गैमेट्स में क्या होगा, हैप्लॉयड 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 78 का हाफ ये आ जाएगा 39, सही है ना, ठीक है बिल्कुल सही। अगला केस में कैट का दिया हुआ, बिल्ली का और गैमेट का में क्रोमोसोम नंबर 19 दिया हुआ है, मियोसाइट का पूछ रहा तो 19, ये 2n यानी डबल करें तो ये हो जाएगा 38 यहां पर हो जाएगा। अगला है फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के अंदर मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 8 है, ये ध्यान दें, ये मैंने अक्सर देखा कि बच्चे इस वाले में गलती कर देते, पता नहीं सब सही करते आते हैं, इसमें क्या मजा मिलता है, यहां 8 है तो यहां फटाक से 16 लिख देते, क्यों भाई ऐसी मिस्टेक आप लोग क्यों करते हैं, जब यहां 8 है मियोसाइट में दिया है तो उसको 2 से डिवाइड करिए, आप लोग 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स में पूछा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अगला एग्जांपल दिया बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई में मियोसाइट का नंबर दिया 380, मियोसाइट में तो क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देंगे, 380 का हाफ हो जाएगा 190। इसके बाद अगला एग्जांपल है ऑफियोग्लॉसम, ऑफियोग्लॉसम 630 गैमेट का है तो इसका दूना होगा यानी क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में कितना होगा, 630 का दूना 2 12 60, ठीक है। इसके बाद एप्पल का दिया हुआ 34 मियोसाइट में दिया हुआ है तो गैमेट में क्या नंबर होगा, तो गैमेट में जस्ट हाफ हो जाएगा, 34 का आधा कितना होता है 17 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद राइस, राइस का में गैमेट नंबर दिया हुआ 12 तो गैमेटोसाइट में मियोसाइट माफ कीजिएगा मियोसाइट में क्या हो जाएगा 12 का 2n यानी 24 दूना 24। इसके बाद मेज दिया हुआ जिया मेज भुट्टा, इसमें मियोसाइट में 2n दिया है यानी 20 तो गैमेट का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा हाफ यानी 10। और फिर ओनियन का दिया हुआ, ओनियन यानी प्याज, प्याज का गैमेट में ओनियन में गैमेट नंबर दिया है क्रोमोसोम, गैमेट का नंबर माफ कीजिएगा बार बार निकल जा रहा है, गैमेट में क्रोमोसोम नंबर, गैमेट का क्रोमोसोम नंबर 16 है तो मियोसाइट का क्या होगा इसका दूना यानी 32। तो ये कुछ है जो बच्चे 12th में हैं उनको ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मियोसाइट में नंबर दिया है तो गैमेट का है या गैमेट में नंबर दिया है तो मियोसाइट का निकालने के लिए,
तो ये आप नोट डाउन कर लें, और अगली क्लास में आगे हम गैमेट ट्रांसफर बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन बात करेंगे, और फिर उस फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की।